भविष्यवक्ता। परमेश्वर सब दिन इसराइली सबके लऽ कऽ भविष्यवक्ता सबके पठबैत छलखिन। भविष्यवक्ता परमेश्वर सँ संदेश सुनिकऽ आ फेर ओहिके ओ लोक सबके सुनबैत छलाह। जखन अहाब इसराइल राज्यके राजा छलाह तऽ ओहि समय एलिय्याह भविष्यवक्ता छलाह। अहाब एकटा दुष्ट व्यक्ति छलाह। झूठा बाल देवताके उपासना करबाक लेल लोक सबके विवश कयलनि। एहि लेल एलिय्याह अहाबके कहलनि जे परमेश्वर हुनका सबके दण्डित करनिहार छथि। ओ हुनका कहलनि, जा धरि हम फेर बरखा होयबाक लेल नहि कहब ता धरि इसराइलमे बरखा नहि होयत आ ओस सेहो नहि गिरत। ई बात अहाबके कतेक क्रोधित कऽ देलक जे ओ एलिय्याहके मार देबाक लेल निर्णय कयलनि। एहि लेल परमेश्वर एलिय्याहके कहलखिन जे ओ अहाबसँ नुका जेबाक लेल जंगलमे चलि जाय। एलिय्याह जंगलमे ओहि सोता लग चलि गेल जतय जेबाक लेल परमेश्वर कहने रहथिन। सब दिन भोर आ साँझमे एलिय्याहके लेल एकटा पक्षी रोटी आ मांस लऽ कऽ अबैत छल। एहि समय अहाब एलिय्याहके खोजैत छल मुदा ओ हुनका खोजि नहि सकलनि। बरखा नहि भेलाके कारण ओ सोता किछु समयक बाद सूख गेल। एहि लेल एलिय्याह नजदीकके एकटा गाँवमे चलि गेलाह। ओहि देशमे एकटा गरीब विधवा छलीह जकरा एकटा बेटा रहैक। हुनका सब लग भोजन समाप्त भऽ गेल छल किएक तँ ओतय कोनो फसल उपजल नहि भेल छल। मुदा तैयो ओ स्त्री एलिय्याहके देखभाल करलीह। एहि लेल परमेश्वर हुनका आ ओकर बेटाके आवश्यकता सब पूरी कयलखिन। एहि कारण चिकित्साके बर्तन आ ओकर तेलक डिब्बा कहियो खाली नहि भेल। ओहि निकाललाक पूरे समय हुनका लऽ भोजन छल। एलिय्याह किछु बरिस धरि ओतय रहल। 3.5 बरिस बाद परमेश्वर एलिय्याहके कहलनि जे फेरसँ ओ वर्षा करौथिन। ओ फेरसँ इसराइलमे जा कऽ अहाब सङ्ग बात करय लेल कहलखिन। एहि लेल एलिय्याह अहाब लग गेल। जखन अहाब एलिय्याहके देखलनि तँ ओ कहलनि, अच्छा तू ही छे समस्या उत्पन्न करयवला। एलिय्याह जवाब देलनि, समस्या उत्पन्न करयवला अहीं छी। अहाँ यहोवाके त्याग देने छी, वही सत्य परमेश्वर छथिन, मुदा अहाँ बालके उपासना करैत छी। आब अहाँके इजराइल राज्यके सब लोकके कर्मेल पर्वत पर लऽ आयबाक अछि। अतः सब लोक कर्मेल पर्वत पर गेल। ओ पुरुष सब सेहो आयल छल जे कहैत छल जे हम बालके संदेश कहैत छी। ओ सब 450 गोटे छलाह। एलिय्याह लोक सबके कहलनि, कहिया तक तू सब अपन मन मोरी कऽ रहबा? यदि यहोवा सत्य परमेश्वर छथिन तँ हुनके आराधना करह, यदि बाल परमेश्वर अछि तँ हुनके उपासना करह। तब एलिय्याह बाल देवताके सब भविष्यवक्ताके कहलनि, एकटा बैलके बलि कऽ कऽ ओकर मांस बलिदानके लेल वेदी पर राखह, मुदा आग नहि लगाबह। ओकर बाद हमहूँ ओहने करब आ एगो दोसर वेदी पर ओहि मांसके राखि देब। तब यदि परमेश्वर वेदी पर आग बरसा करैत छथि तँ तू सब जान लेबह जे ओ सत्य परमेश्वर अछि। तब बालक भविष्यवक्ता सब एकटा बलि तैयार कयलनि मुदा आग नहि लगेलक। तब बालके सब भविष्यवक्ता बालसँ प्रार्थना कयलनि जे हे बाल, हमरा सबके सुना। दिन भरि ओ सब हुनका प्रार्थना कयलनि आ चिचियाल आ एतय धरि जे स्वयंके चक्कूसँ काटि लेलक, मुदा बाल जवाब नहि देलनि आ ओ केनियो आग नहि खयलक। बालके भविष्यवक्ता सब बालसँ प्रार्थना करैमे पूरे दिन बिता देलक। अन्तमे ओ सब प्रार्थना केनाइ छोड़ि देलक। तब एलिय्याह दोसर बैलके मांसके परमेश्वरके वेदी पर राखि देलक। ओकर बाद ओ लोक सबके बड़का बर्तनमे पानि भरि कऽ ओहि बलिदान ऊपर झोंकीके देबाक लेल कहलक जे जराब थी। मांस जराबनि आ एतेक धरि जे वेदीके अगल बगलमे
भूमि नीक जका भीज नहीं जाए। तब एलिया प्रार्थना कैलन, हे यहोवा अब्राहम इसहाक आ याकूब के परमेश्वर, हमरा सब के देखा दिया जे अहाँ इसराइल के परमेश्वर छी आ इहो कि हम अहाँ के दास छी, हमरा जवाब दिया जाहि सँ कि लोक सब जान ले जे अही सच्चा परमेश्वर छी। तुरंते आकाश सँ आग खसल आ ओही माउस जराबैन जरा देलैन चट्टान माटी आ एतेक धैर्य जे वेदी के अगल बगल के पानी सेहो जरा देलैन। जखन लोक सब ई देखलैन जे ओ सब भूमि पर खसिकऽ कहलैन, यहोवा ए परमेश्वर छथिन। तब एलिया कहलैन, बाल के एक कोटा भविष्यवक्ता बेच कर नहीं जाय पाबै, एहि लेल लोक सब बाल के भविष्यवक्ता सब के पकड़ लेलक आ हुनका सब के ओही ठाम सँ अलग लऽ जा कऽ मार देलक। तब एलिया आहाब राजा के कहलैन, जल्दी अपन घर भाग जाओ, किएक तऽ बरखा होबे वाला अछि। बरखा होबे लागल, यहोवा ओही रौदी के अंत कऽ रहल छलथिन, एहि सँ प्रगट भेल जे यहोवा सच्चा परमेश्वर छथिन। जखन एलिया अपन काम समाप्त कर लेलैन तऽ परमेश्वर एकटा एलिशा नामक व्यक्ति के अपन भविष्यवक्ता होयबाक लेल चुनलखिन। परमेश्वर एलिशा द्वारा बहुतेक चमत्कार सब कैलखिन। एकटा चमत्कार नमान के संग भेल, ओ शत्रु सेना के सेनापति छल, मुदा हुनका छाला पर एक किस्म के खराब रोग भऽ गेल छल। नमान एलिशा के विषय में सुनने छल, एहि लेल ओ एलिशा के लग आयल आ हुनका ठीक करबाक लेल अनुरोध कैलन। एलिशा नमान के कहलन जे यर्दन नदी में जा कऽ पानी में 7 डुबकी लगा। नमान क्रोधित भऽ गेल, ओ एना करै सँ मना कऽ देलैन, किएक तऽ ई बात हुनका मूर्खता वाला काम लगैत छल। मुदा बाद में ओ अपन मन बदल लेलक आ जा कऽ यर्दन नदी के पानी में 7 बेर डुबकी लगेलक। अंतिम बेर जखन ओ पानी सँ बाहर निकलल तऽ परमेश्वर हुनका ठीक कऽ देने छलथिन। परमेश्वर इसराइली सब के लग अन्य बहुतेक भविष्यवक्ता सब के पठौलैन, हुनका सब के मूर्ति सब के उपासना बंद करबाक लेल कहलैन, बल्कि एक दोसर संग न्यायपूर्वक व्यवहार करै आ एक दोसर पर दया करबाक चाही। ओ भविष्यवक्ता सब लोक सब के चेतैलक जे अपन दुष्ट काम सब बंद कऽ परमेश्वर के बात सब पालन करबाक अछि। यदि लोक सब एना नहि करन तऽ परमेश्वर हुनका सब के दोषी मानि न्याय करथिन आ हुनका सब के दंडित करथिन। अधिकांश समय ओ लोक सब परमेश्वर के आज्ञा पालन नहि कैलक। अक्सर ओ सब भविष्यवक्ता सभक संग बहुत खराब व्यवहार कैलक आ एते धैर्य जे कहियो कहियो हुनका सब के मारियो देलैन। एक बेर ओ सब यर्मिया भविष्यवक्ता के सुखल इनार में धौ देलक आ हुनका मरबाक लेल ओ सब छोड़ देलक। ओ इनार के थाल में हंस गेल, मुदा तब राजा के हुनका पर दया अलैन आ ओ अपन सैनिक के आदेश देलैन जे यर्मिया के मरय सँ पहिने हुनका इनार सँ बाहर निकाल दिया। भविष्यवक्ता परमेश्वर के तरफ सँ बजनाई जारी रखलैन, भले लोक सब ओहि सँ घृणा कैलक। ओ सब लोक सब के चेतावनी देलक जे यदि ओ सब पश्चाताप नहि करय तऽ परमेश्वर हुनका सब के नाश कऽ देथिन। ओ सब लोक सब के इहो स्मरण कैलक जे परमेश्वर हुनका सब लग मसीह पठाबे के प्रतिज्ञा कयने छथि। पहला राजा अध्याय 16-18, दूसरा राजा 5, यर्मिया 38 सँ बाइबलक एकटा कथा।